तो स्टार्ट करते हैं बेटा वो चैप्टर जो हमने लास्ट बेटा स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 9 था हमारा वो, ठीक है। वित्तीय प्रबंध वो हमने खत्म कर लिया है और जहां तक है आप सबको समझ में आ भी गया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10 है हमारा वित्तीय बाजार के बारे में, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अगर आप पेज पलटा हो तो आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा, बेटे काफी आसान है। अगर उसको देखा जाए तो बहुत आसानी से इसको समराइज करके पढ़ा जा सकता है। देखो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, देखो 11वीं और 12वीं की इकोनॉमिक्स पूरी पूरी डली हुई है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि न्यू वीडियो बना, बेटे खुद देखो ना इतनी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी, उसमें पूरा कंटेंट है, उसमें जो कंटेंट है वो ए क्वालिटी है, बहुत बढ़िया बेटा, सबसे बढ़िया कंटेंट दे रखा मैंने आपको हिंदी मीडियम वालों को। तो आप वहीं से पढ़े, बात को समझो, आपको सारा कंटेंट आपके कोर्स से रिलेटेड है। अगर कोई चैप्टर आपका नहीं आ रहा तो बेटा पूरा चैप्टर ही हटा हुआ है, आपको हटा देना पूरा चैप्टर, बाकी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। 95% जो है पूरा पूरा सेम है, सिर्फ दो चैप्टर जो है इंडियन इको के हटे हुए हैं, वो आप हटा देना, बाकी आपको सारा पढ़ना है। तो कोर्स पूरा है, कंटेंट पूरा है, तो प्लीज वीडियो को देखो और उससे अपनी इकोनॉमिक्स को मजबूत बनाओ। खासकर जिनका स्टैट 11th क्लास के बच्चे जिनका स्टैट कमजोर है, तो वो हिंदी मीडियम की मैंने पूरी स्टैट डाली हुई है, वो भी एज इट इज पूरा पूरा मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो और वहां से आप अपनी स्टैट को मजबूत कर सकते हो, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स मैंने सारी डाली हुई है, याद रखना। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 जो कि हमारा है वित्तीय बाजार के ऊपर। बेटा किसके ऊपर है? वित्तीय बाजार के ऊपर है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि वित्तीय बाजार होता क्या है, यानी फाइनेंशियल मार्केट। बेटा जैसे नॉर्मल आपने सब्जी मार्केट देखी है ना, वेजिटेबल मार्केट देखी है, वैसे यहाँ पे एक फाइनेंशियल मार्केट भी होती है, जिसका मतलब होता है उस बाजार से है जो वित्तीय परिसंपत्ति बोले वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करने एवं उनका विनिमय करता है। तो वित्तीय बाजार वो बाजार होता है, वित्तीय बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को, किसको? वित्तीय संपत्ति को, जैसे शेयर, डिबेंचर, ये सब चीजें होती है, इनको उत्पन्न एवं उनका विनिमय करता, विनिमय होता आदान प्रदान करता, क्रय विक्रय करता है। क्लियर हो गया। वित्त व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग होते हैं, याद रखना, ये आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं मैं। वित्त व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग होते हैं, एक नंबर में पूछ सकता आपसे, ठीक है। पहला वित्तीय बाजार जो हम पढ़ ही रहे हैं, नंबर दो वित्तीय संस्थाएं, जैसे कोई भी पैसों से रिलेटेड संस्था जैसे बैंक हो गया, LIC हो गया, इस टाइप की चीजें, और वित्तीय प्रतिभूतियां। वित्तीय प्रतिभूतियां मतलब हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ठीक है ना, जैसे शेयर, डिबेंचर, इन सबकी बात कर रहा है। तो देखो क्या क्या हो रहा है हमारे पास, वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं उनका विनिमय करता है, उनका क्या करता है? विनिमय करता है। यहां तक समझ में आ गया। नंबर दो मैंने बोला वित्त व्यवस्था के तीन मुख्य प्रमुख अंग होते हैं, वित्तीय बाजार, डेफिनेशन पढ़ ली, वित्तीय संपत्ति को उत्पन्न करना और उनका विनिमय करना। नंबर दो वित्तीय संस्थाएं, बैंक, LIC, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये यहां पे आ जाती हैं, और वित्तीय प्रतिभूतियां। अब सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय संपत्तियां होती क्या है, जो वित्तीय संपत्ति वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है ये है क्या। तो मैंने कहा वित्तीय संपत्तियों से अभिप्राय प्रपत्रों अथवा प्रतिभूतियों से है। प्रपत्रों बोल लो, इंस्ट्रूमेंट्स बोल लो, प्रपत्रों मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इंग्लिश में लिख सकते हो आप कुछ भी। देखो मैंने जब एक टीचर से पूछा कि मैं तो सारा कंटेंट लिखवाता बच्चों को ताकि कोई दिक्कत ना आए, तो वो कहते हैं कि मत लिखवाया करो, ठीक है ना, आप खाली ना बोल दिया करो, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोल दिया करो और बच्चे उससे अपने आप समझ लेंगे, अपने आप लिख लेंगे। तो उनको बात भी सही है, आप इस लेवल पे आ चुके हो कि अगर मैं ना भी लिखूं खाली बोल के भी बताता जाऊं आपको पूरी वीडियो में, तो भी आप बोल, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप उसको लिख सकते हो। बट फिर भी मैं आपको सहूलियत दे देता हूं कि मैं मैक्सिमम कंटेंट यहां पे लिख देता हूं, एक आध वर्ड होते हैं जो मैं एक्स्ट्रा बोल देता हूं, बेटा तुरंत लिख दिया करो उसके बगल में, चाहे वो हिंदी में कोई सेंटेंस बोलता हूं या फिर ऐसे, ठीक है, अगर काम का है तो लिख दिया करो, ठीक है ना। तो वित्तीय संपत्तियों से अभिप्राय वित्तीय प्रपत्रों, प्रपत्रों नहीं पता तो इंस्ट्रूमेंट लिख लो वहां पे, है ना, अथवा प्रतिभूतियों से यानी सिक्योरिटीज से, जैसे अंश मतलब इक्विटी हो गया, यानी शेयर्स हो गया, मतलब शेयर्स हो गया, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, ऋण पत्र हो गया, लोन इंस्ट्रूमेंट हो गए, खजाना बिल हो गए, ठीक है ना, कॉमर्शियल पेपर हो गया आदि। क्लियर हो गया, ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर, डन। उसके बाद आता है वित्तीय बाजार के कार्य क्या है, वित्तीय बाजार के कार्य है तो है क्या। तो पहला कीमतों के निर्धारण में सहायक, ये कीमतों के यानी मूल्यों के निर्धारण में क्या है, सहायक है। नंबर दो वित्तीय संपत्तियों में
में तरलता प्रदान करता है, ये लिक्विडिटी प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है, यानी धन को निवेश करना, यानी धन को प्रतिभूतियों में निवेश करना, सिक्योरिटी में लगाना, और जो निवेश है उसे पुनः वापस धन में बदलना, इसमें आसान होता है। यानी अपने पैसे को किसी प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी में लगाना, शेयर डिबेंचर में लगाना, और फिर उसे बेच करके वापस अपने धन में कन्वर्ट करना जब तुम्हारा मन हो, तो ये यहाँ पे बहुत आसान होता है, इसने बोला। नंबर तीन, बचत को जो आपके पास पैसा बचा रखा आपने उसको अधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर, यानी जहां से आपको उसको, अगर घर में अगर पैसा बचा कर रखोगे तो उसको कोई मतलब नहीं है बेटा, पैसा अगर आप घर में बचाओ उसको कोई मतलब नहीं, इससे बढ़िया आप उसको इन्वेस्ट कर दो, जमीन खरीद लो, कहीं बैंक में लगा लो, कहीं शेयर में लगा लो, इन जगह लगा लो, ताकि उस पैसे पे और पैसा बने, ये तो करना होता है ना। तो वही लिखा हुआ, बचत को अधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाने में सहायक होता है। और व्यवहारों, व्यवहारों मतलब लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, कि यहाँ पे लागत क्या आती है, कम आती है, तो लागत कम करने में ये सहायक है। क्लियर है? तो देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक। सबसे पहले वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार से अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं उनका विनिमय करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया था। नंबर दो, वित्तीय वित्त व्यवस्था जो है के तीन मुख्य अंग होते हैं, वित्तीय बाजार होता है इसमें, नंबर दो जो आपका है वित्तीय संस्थाएं है, और नंबर तीन जो है वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। फिर मैंने पढ़ा है वित्तीय संपत्तियां कहते हैं, वित्तीय संपत्तियां वो होती है जिनमें आप वित्तीय प्रपत्रों या फिर प्रतिभूतियों की बात करते हो, जैसे अंश यानी शेयर्स, ऋण पत्र, खजाना बिल, ठीक है ना, कॉमर्शियल पेपर, ये सब। उसके बाद वित्तीय बाजार के कार्य क्या है, तो कीमतों के यानी मूल्यों के निर्धारण में सहायक, ये तरलता प्रदान करता है, इसका मतलब धन को प्रतिभूति में, यहां पर आप लिख सकते हो धन को प्रतिभूति में, प्रतिभूति लगा लो, प्रतिभूतियों में निवेश करना यानी सिक्योरिटी में लगाना, और फिर जब तुम्हारा मन करे तो उस निवेश को यानी जो आपने लगा रखा था पैसा उसको बेच दो निवेश को वापस, और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। तो बहुत आसान है पैसा लगाना और वापस विड्रॉ करना, ठीक है ना, रिडीम करना उसको। तो उसके बाद लिखा हुआ है, बचत को अधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाने में सहायक है, और व्यवहारों यानी ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसमें जो लागत आती है यानी व्यवहारों की जो लागत है वो कम करने में सहायक। फिर आता है वित्तीय बाजार के प्रकार, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बेटा इसको पढ़ाऊंगा पूरा, चाहे आपका कोर्स थोड़ा बहुत कटा भी होगा तो भी मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा, कि ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं और आपको पता भी होना चाहिए। तो मैं मनी मार्केट बेटा पूरा पढ़ाऊंगा, याद रखना, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना, और वैसे भी आपके कोर्स में भी आ रहा है तो मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आप इसको अच्छे से डील करो, ये आगे तक काम आता बेटा, ठीक है ना। तो वित्तीय बाजार के प्रकार, मुद्रा बाजार और पूंजी बजार, ये तो है ही वैसे भी कोर्स में, तो ये तो पढ़ाना है बेटा, मैं इसको भी पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वित्तीय बाजार के प्रकार, दो प्रकार के बाजार है, मुद्रा बाजार, कुछ कुछ बुक में इसको उत्पादन बाजार भी बोल देते हैं, बस ये मुद्रा बाजार है यानी मनी मार्केट, और दूसरा है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। तो दो तरह की मार्केट हो गई। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में, अल्पकालीन मतलब होता है शॉर्ट टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज में लेन देन किया जाता है, जबकि जो पूंजी बाजार होता है उसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन यानी व्यवहार किया जाता है। क्लियर हो गया? तो एक में शॉर्ट टर्म में किया जा रहा है व्यवहार, एक में किसमें किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म में यानी अल्पकालीन में, और एक में दीर्घकालीन में। तो डेफिनेशन तो बहुत आसान है। आगे मुद्रा बाजार की प्रकृति या विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले इसमें लेन देन यानी क्रय विक्रय की जो लागत आती है वो कम आती है। लेन देन या क्रय विक्रय की लागत क्या आती है, कम आती है। नंबर दो, तरलता भी बेटा आपको ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, यानी लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है। लिक्विडिटी मतलब तरल में पैसा जो मिलेगा आपको ज्यादा मिलेगा, कभी भी पैसा लगा सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो जब मन करे तब। तो दो चीज आसान है, क्रय विक्रय में कम लागत लगती है और अधिक तरलता देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो व्यवहारों होते हैं, व्यवहारों मतलब लेन देन की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, उनकी गति भी तेज होगी, ठीक है ना। और काफी सारे ट्रांजेक्शन तो इसमें फोन पे ही हो जाते हैं, ठीक है ना, फोन की मदद से हो जाते हैं, इसलिए इसको टेलीफोन पर बाजार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीफोन पर बाजार भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे उत्पादन बाजार कौन सा, तो यही बोल देना मनी मार्केट, ठीक है ना, मुद्रा बाजार। दूसरा आपसे बोले टेलीफोन पर बाजार किसको कहते हैं, तो मुद्रा बाजार को ही कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अल्पकालीन प्रतिभूतियों या अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों में यहाँ पे व्यवहार होता है। अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों में क्या होता है, व्यवहार यानी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है, और ये अनेक उपबाजार, उपबाजार मतलब सब मार्केट, तो अनेक उपबाजारों का समूह होता है, ठीक है ना। तो लेन देन क्रय विक्रय की कम लागत है, तरलता अधिक देखने को मिलेगी, जितने भी लेन देन होते हैं वो तेज गति से होते हैं, ये टेलीफोन पर बाजार भी कहते हैं इसको। अल्पकालीन प्रतिभूति या अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों में यहाँ पे डील होता है, वो पहले पढ़ लिया हमने, और यह अनेक उपबाजारों का क्या होता है, समूह होता है। डन। देन उसके बाद हम बात करते हैं पूंजी बाजार की प्रकृति और विशेषताएं, इसकी क्या है। तो पहला, ये मांग पक्ष यानी जो डिमांड होता है वो, और पूर्ति पक्ष यानी जो आपका सप्लाई होता है वो,
में संतुलन रखने का, क्या रखने का, संतुलन रखने का कार्य करता है। पहली बात तो ये मांग पक्ष और पूंजी पक्ष के बीच में संतुलन रखने का कार्य करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये दीर्घकालीन प्रतिभूति या दीर्घकालीन वित्तीय संपत्तियों में इसमें व्यवहार होता है। तो पहले पढ़ चुके हैं इसमें अल्पकालीन था, इसमें दीर्घकालीन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है ये, लॉन्ग टर्म है। उसका पूंजी निर्माण में सहायक है, पूंजी को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक है पूंजी निर्माण में, ठीक है। नंबर चार, पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्त की, यानी जो आपको लॉन्ग टर्म पैसे की जरूरत है उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। तो पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है, जबकि ये अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है। ये भी पॉइंट लिख सकते हो, आगे बढ़ जाएगा कि मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है, ये दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है। देखो पॉइंट निकल रहा है, निकल रहा है, तो लिख लिया करो ना, ठीक है, पेपर में काम आएगा आपके लिए। उसके बाद तरलता लाने में सहायक है, यहाँ पे भी तरलता लाने में सहायक है। आप मन करे जब सिक्योरिटी खरीद और बेच सकते हो, मगर अगर आप क्रय विक्रय कम करते हो, बेटा मैं शॉर्टकट में लिखा, ध्यान समझना, आप चाहे तो उसको बना के लिख सकते हो कि यदि अगर कुछ जो कुछ सिक्योरिटी ऐसी जिनमें आप जिनका आप क्रय विक्रय क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो अगर क्रय विक्रय कम कर रहे हो तो उनमें तरलता भी क्या होगी, कम होगी। बेटा तरलता वो होती है जब आप अपने पैसे को कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी तरलता लाने में सहायक है, यहाँ तो बहुत ज्यादा तरलता है, इसकी तो बात ही अलग है, तो बहुत ज्यादा तरल है। यहाँ पे भी तरलता लाने में सहायक है, ये तरलता लाता है, तरलता रखता है, तरलता मिलेगी यहाँ पे। मगर अगर आप सिक्योरिटी को कम खरीदते बेचते हो तो फिर तरलता भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? तो ये आपका था पार्ट नंबर वन। मैंने कहा दोबारा कौन लिख रहा है, ठीक है, पार्ट नंबर वन से संतुष्ट हो जाते इतने से। काफी छोटी वीडियो है और ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है बेटा। वित्तीय बाजार की डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके बाद हमने वित्तीय संपत्तियां पढ़ी, वित्तीय बाजार के कार्य बड़े सिंपल से कार्य थे वो पढ़े, और दो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा। और जहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा, ज्यादा बड़ी वीडियो बना के फायदा नहीं है, काफी छोटी छोटी वीडियो बना के भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। बाकी बेटा अगर कोई दिक्कत है ना किसी सब्जेक्ट में तो मुझे बता देना, या कोई टॉपिक में ना, तो मैं ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना सकूं, अलग से बना देंगे कोई बात नहीं वीडियो, पर वो टॉपिक बता देना जो जो टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, जब टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।